चलिए खबरें जारी करते हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जिले के तीनों विधानसभा का धुआंधार दौरा किया और भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए उनके लिए जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नीमच जिले की तीनों विधानसभा सीटों का धुआंधार दौरा किया। हेलीकॉप्टर से हुए इस दौरे में विजयवर्गीय ने तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को विजय बनाने की अपील की और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। भाजपा के कद्दावर नेता विजयवर्गीय दोपहर 12 बजे मनासा विधानसभा के कंजाड़ा में हेलीकॉप्टर से उतरे। यहां भाजपा प्रत्याशी माधव मारू के समर्थन में महती सभा को संबोधित किया। श्री विजयवर्गीय ने कहा, मारू परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है, एक पढ़ा लिखा और इंजीनियर उम्मीदवार हमने दिया है, आप इसे विजय बनाएं। श्री विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश का सर्वनाश किया है। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की तुलना कर लीजिए। मनमोहन सिंह रईस अफसर के बैठे थे और नरेंद्र मोदी गरीब के बेटे। इसी तरह शिवराज किसान के बेटे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह राजा महाराजा हैं। तो इस मंदिर के बारे में मैंने भी सुन रखा था, उन्होंने जैसे ही मुझे याद दिलाया था मुझे स्मरण आ गया। मैंने कहा पहले चार भुजा नाथ भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद जनता जनार्दन के दर्शन करेंगे। तो मैं सीधा गया वहाँ, दर्शन किए और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि चार भुजा नाथ भगवान जहाँ खड़े हैं वहाँ कमल का फूल है नीचे उनके चरणों में। देखिए चुनाव समर आता है तो सब पार्टी के लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, वो भी बात करेंगे अपनी, कांग्रेस के लोग भी हम भी अपनी बात कर रहे हैं। 28 तारीख में बहुत दूर है, आप सबकी बात सुनिए, वो सुनने के बाद निर्णय करना है आपको। इस मध्य प्रदेश को और इस देश को सही दिशा कौन दे सकता है, कौन दे रहा है। हम यदि कल्पना करें कि दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, राज परिवार में पैदा हुए, आज भी उनको क्या बोलते हैं पता, दिग्गी राजा हैं, क्या बोलते हैं राजा, अभी भी राजा, राजपाट कुछ भी नहीं है सड़क में पर दिग्गी राजा। पार्टी ने उनका पत्ता काट दिया, पार्टी भी चिंता नहीं करी, वो भी बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेशन में चल रहे, बोले मेरे को तो भाषण देने भी नहीं बुलाते, मेरे भाषण से भी बहुत कट जाते हैं। 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, जब वो मुख्यमंत्री रहे तो 10 साल तक एक प्रधानमंत्री भी रहे जिनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत ही शरीफ, बहुत ही सज्जन, इतने सीधे, मतलब लोग तो उनको इतना कम बोलते थे कि लोग उनको मोनी बाबा बोलते, बोले मोनी बाबा, तो इतने सीधे कि उनके प्रधानमंत्री तो काल के अंदर 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार सोनिया जी राहुल जी की टीम ने कर लिया, उनको पता ही नहीं लगा। कंजाड़ा में महती सभा को संबोधित करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय हेलीकॉप्टर से जावत पहुंचे। यहां महती सभा को संबोधित करने के बाद सर्वानिया आए और सर्वानिया महाराज में बाइक रैली के साथ सभा स्थल तक पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए श्री विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस कभी देश का भला नहीं कर सकती, एक समय बिजली के लिए लोग तरसते थे, अब बिजली के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, चुनाव में ये लोग झूठे वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं, 15 साल में भाजपा ने विकास किया है। श्री विजयवर्गीय ने सर्वानिया महाराज और जावत की सभा में भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश सकलेचा को विजयी बनाने की अपील की।
दबाना है और ओम जी को जिताना है। क्यों जिताना है इसके लिए लंबी जोड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कह के जाता है वो करता है। आपने हमारे सुरेश जी की श्रीमती भाभी जी को जिताया, उसके बाद सुलवानिया महाराज में कोई परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा, आपको विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिमाने की जो बोलते हैं वो करके जाते हैं। और इसलिए आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ओम जी को आशीर्वाद दीजिए, देखिए पूरी विधानसभा को हम किस प्रकार आदर्श विधानसभा बनाते हैं। इसलिए कि वीरेन जी को राजनीति विरासत में मिली है, ओम जी को, ओम जी के परम पूज्य पिताजी वीरेन जी हमारे राजनीतिक गुरु रहे, हमें राजनीति में उंगली पकड़ कर उन्होंने चलना सिखाया। आज उनके सुपुत्र आपकी सेवा के लिए हैं यहाँ पर। ये वीरेन जी का बहुत ही कर्मठ क्षेत्र है। और एक समय था, मैं तो 40-50 साल से यहाँ आता हूँ, तब के गांव, तब की सड़कें, और एक बात है उनके पुत्र ने इतना विकास किया कि वो पुराना वाला जावद और पुरानी वाली विधानसभा पहचान में ही नहीं आती, गाँव को शहर में बदल दिया। ये गाँव था, ये शहर में बदल गया, ये इसका उदाहरण है। तो कुल मिलाकर विकास यहाँ पर इतना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की कृपा से कि बहुत आगे भी करना है, आगे भी हमें विकास का पहिया चलाना है। उसके लिए अगर सही हाथ में बाकल होगी तो ही विकास होगा, यदि गलत हाथ में चली गई तो विकास हो सकता है क्या? भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नीमच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चीताखेड़ा में भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। यहां कांग्रेस पर प्रहार करते हुए विजयवर्गीय ने कहा, सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबों की नहीं सोची। देश में जब एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उसने सभी माओं के आंसू पोंछे और धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए घर घर गैस के चूल्हे उपलब्ध कराएं। शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे हैं, किसानों के हितों की बात करते हैं। श्री विजयवर्गीय ने आम सभा में मतदाताओं से अपील की कि वे नीमच प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। अब क्या हुआ, समय निकल गया, सरकार अपनी बन गई, शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए, लाडली बेटी योजना हमने चालू की। लाली बेटी योजना के हम प्रमाण पत्र बांट रहे, प्रमाण पत्र बांट रहे तो वो एक पति पत्नी और बच्चा गोद में है, मैंने प्रमाण पत्र दिया, फोटो खिंचवाया, दादा मेरे को पहचाना क्या कौन हो? अरे बोले वेंकैया जी के साथ मिला था मैं, हाँ हाँ को तीर्थ यात्रा मैं कराऊंगा, हिंदू होगा तो हरिद्वार जाएगा, मुसलमान होगा तो अजमेर शरीफ की दरगाह में जाके शीश नवाएगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनका बेटा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो हमने सरकार सेवा करके चले, परिवार समझा है मध्य प्रदेश को, राजा की तरह हमने रूल नहीं किया, वो दिग्गी राजा थे, वो शासन करते थे, हम शासन नहीं करते, आप वोट देते हैं उसके बाद हम सेवा में लगे रहते हैं। इसी सेवा का संकल्प आपको दिलाने आया हूँ। दिलीप भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र है, बहुत जोरदार कार्यकर्ता है, सुझाव कार्यकर्ता है, बेजान कार्यकर्ता है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ इस बार एक बार फिर से हमारे साथी दिलीप भाई को आप विधायक बनाइए, ये विधायक बनकर जाएंगे, शिवराज जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाएंगे, उसके बाद जो ये विकास कर रहे थे ये चलता रहेगा, मैं स्वयं आऊंगा आपके यहाँ विकास के लिए, ये वादा करता हूँ कि आप पिछली बार कितने वोट जीत रहे हैं, आपकी बार 30 से कम से जीतना नहीं है, 30,000 से ज्यादा वोट से आप दिलीप को जिताइए, दिलीप को आप जिताएंगे। बोले मेरे साथ संकल्प लीजिए, बोले भारत माता की। एक दिन में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की 5 सभा हुई। पहले विजयवर्गीय ने कंजाड़ा में सभा को संबोधित किया, यहां मनासा उम्मीदवार माधव मारू के लिए वोट मांगे, फिर जावद और सरवानिया में सभा को संबोधित किया और बाद में चिताखेड़ा और नया गांव में सभा को संबोधित कर इंदौर के लिए रवाना हो गए। सभी सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत हरित कैलाश विजयवर्गीय के साथ